क्यों ना आप लोग के साथ चाट बनाई भी जाए और खाई भी जाए। बट चाट आलू की टिक्की की नहीं बना रही हूँ, मैं इडली की चाट बना रही हूँ। हाँ जी, इडली का तो आपने बहुत सारी रेसिपी खाई होगी। कभी आपकी इडली बच जाती तो आप उसको फ्राई करके खा लेते हैं, चाय के साथ इडली सांभर के साथ खा लेते हैं। तो बट आज मैं जो आपको रेसिपी बताने जा रही हूँ वो इडली चाट है, और वो कैसे बनते हैं चलिए आइए देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चाट के लिए तो दही और मसाला इन दोनों का ही रोल होता है। तो इस इडली को सबसे पहले हम फ्राई करेंगे, बट मैं फ्राई डीप फ्राई नहीं करूंगी, क्योंकि जब हम डीप फ्राई करते हैं तो इसके अंदर जो पोर होते हैं उसमें ऑयल पूरा भर जाता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसको मैं एयर फ्रायर में फ्राई करूंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें सारे थोड़ा सा ऑयल लेकर इसके ऊपर ऊपर लगा दूंगी, इस तरीके से। इसी तरीके से सारी इडली कर लूंगी। इडली को फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम एयर फ्रायर को हम प्री हीट करेंगे। तो प्री हीट करने के लिए आप ये देख रहे हो 200 है, 200 में बस हम सिर्फ 5 मिनट्स प्री हीट करेंगे। तो जब तक एयर फ्रायर हमारा प्री हीट हो रहा है, हम ये दही को रेडी कर लेते हैं। दही को रेडी करने के लिए हमें काफी अच्छे से इसको फेंटना है। तो ये देखिए, जो दही है उसका टेक्सचर इस तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल फ्लफी सा। इसमें मैं थोड़ा सा शुगर भी ऐड करूंगी। और बहुत हल्का सा पानी। तो दही रेडी हो गई है, उधर इडली फ्राई हो रही है, तो ऑलमोस्ट ये चाट हमारी रेडी हो गई है। तो ये देखिए, एयर फ्रायर प्री हीट हो गया है, और अब इसमें हम इडली को रख देंगे। एंड फिर से 200 डिग्री में सिर्फ 5 मिनट तक इसको गर्म करेंगे। तो यहाँ पे हमारी इडली फ्राई हो रही है। तो ये रेडी हो गई है। देखिए, अगर हम इसको फ्राई करते तो इसमें बहुत ही ज्यादा ऑयल आ जाता है, और अगर और मैंने इसको एयर फ्रायर में किया तो ये देख सकते हैं आप कि कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके अंदर ऑयल है या कुछ है। तो बस अब इसको जो मैंने दही रेडी किया था उसको डालेंगे। मसाले थे जीरा पाउडर, काला नमक, काला नमक ही हम डालेंगे, सॉल्ट नहीं डालेंगे सफेद वाला, और ये मिर्च, और ये चाट मसाला। मुझे तो भाई बहुत बुरी वाली क्रेविंग हो रही है, बस फटाफट ये बने और मैं खाऊं उसे। और गार्निशिंग के लिए थोड़े से अनारदाने, और ये इमली पिस्को। इमली पिस्को ऑप्शन है, बहुत से लोग चाट में इमली पिस्को नहीं डालते हैं। और मैं इसमें ये बूंदी डाल रही हूँ।